खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हरदोई रेलवे ने 1 जून से यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, जिसको लेकर रेल मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक यात्रियों को कोरोना जैसे जानलेवा बीमारी से बचाते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। CMI अम्बुज मिश्रा ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर की गई तैयारियों की जानकारी दी। हमारे रेलवे स्टेशन हरदोई पर अभी 1 जोड़ी ट्रेन का ठहराव दिया गया है। बहुत ही बढ़िया ट्रेन है आपकी, ISO सर्टिफाइड है, लखनऊ मेल। ये रात में 11:37 पे यहाँ पे आएगी नई दिल्ली जाने के लिए, और ऐसे ही सुबह 4 बजे के बाद में लखनऊ जाने के लिए आएगी। हमारा यात्रियों से अनुरोध है कि स्टेशन पर हर हाल में 90 मिनट पहले आ जाएं। उनकी यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। यदि किसी को COVID-19 के दिशा निर्देश के अनुसार लक्षण पाए जाते हैं तो उनको ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा। उनके जो टिकट का पैसा है वो पूरा रेट वापस कर देंगे। और आप लोग अपना ट्रेन में चढ़ेंगे तो कई बार अखबारों में भी बताया भी जा चुका है, हम दोबारा बताया दे रहे हैं कि पूरी तरीके से आप लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र भी साथ लेके चलें, और अगर ग्लव्स हैं तो ग्लव्स भी पहने रहें, जिससे कि संक्रमण का खतरा ना हो, सारे लोग सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएं। धन्यवाद। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।